मतदान दलों को निशाना बनाने माओवादियों ने लगाया आईईडी। आमापल्ली मार्ग पर नुकनपाल और चेरा मंगी के बीच जवानों ने किया निष्क्रिय। आमापल्ली से बीजापुर आने वाले मतदान दलों को रास्ते में ही रोककर बढ़ाई गई सुरक्षा। दरभा डिवीजन कमेटी ने ली भीमा मंडावी की हत्या की जिम्मेदारी। कमेटी सचिव साईनाथ ने जारी किया बयान। अडानी को बेलेडीला का प्लांट बेचने का भी किया विरोध। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोल आवंटन को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा, आवंटन में कोयलाधारी राज्य को नुकसान। पूर्व विधायक विमल चोपड़ा और रविशंकर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान पार्षद मृत्युंजय दुबे भाजपा में हुए शामिल। भाजपा मुख्यालय में ली सदस्यता, कांग्रेस ने कहा महासमुंद में भ्रम दूर हुआ। बिलासपुर में RPF को मिला बॉडी केयर कैमरा, अब यात्रियों से बातचीत और बयान सीधे किए जाएंगे रिकॉर्ड। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर मोदी बिलासपुर में साहू समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। बोले नरेंद्र मोदी ने देश को महंगाई से बचाया, देश को दी है मजबूत सरकार। कोरिया में गुरु घासीदास नेशनल पार्क के आहा पानी से दुर्री पानी के बीच लगी भीषण आग, गुरुवार रात से लगी है आग। राजनांदगांव के कोहका बेस कैंप में पदस्थ ITBP के जवान की गोली लगने से मौत। जवान ने आत्महत्या की है या कुछ और है कारण, अभी स्पष्ट नहीं। पुलिस जांच में जुटी। 44 वाहनी के डी कंपनी में पदस्थ था जवान, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का रहने वाला है जवान। राजनांदगांव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा भीमा मंडावी की मौत की CBI जाँच हो। नवापरा राजी में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में कहा, राष्ट्र को देशद्रोहियों के हाथों में जाने ना दे। कोरबा अंबिकापुर जांजगीर में भी योगी ने की सभा।